करीब 2 महीने बाद आज से शुरू हुई विमान सेवा। प्रयागराज के एयरपोर्ट से आज लोग लॉकडाउन के करीब 2 महीने बाद विमान सेवा का प्रारंभ किया गया, जिसके चलते प्रयागराज से मुंबई एवं प्रयागराज से बेंगलुरु के लिए 2 फ्लाइटों का संचालन शुरू हुआ। आज इन दोनों फ्लाइटों में कुल 94 यात्रियों को यहां से भेजने की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए यात्रियों के प्रवेश एवं विमान तक जाने की पूरी व्यवस्था ऑटोमोटिव सिस्टम के तहत किया गया है, जिसमें यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग से लेकर विमान तक चढ़ने में 0 मैन पावर यूटिलाइजेशन हुआ है, जिसके तहत कैमरे और आत्मनिर्भर तरीके से लोगों को विमान में चलाने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा जांच की मोहर व्यवस्था और यात्रियों को सुरक्षा जांच से गुजरने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और हर यात्री के बीच में हर एक सुरक्षा जांच पॉइंट पर 1 मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रखी गई है। हाँ, आप काउंटर पे जाइए, आपका तो वो है ना खाली चेक इन। थोड़ा और ऊपर कीजिए, 4 और 5 चाहिए, थोड़ा तो ऊपर। लोगों का देख के जो है फैसिलिटी सब कुछ जो है अच्छा है जो है। अब कहाँ पे जा रही हैं? बॉम्बे सांता क्रूज। सांता क्रूज जा रही हैं मैम, तो यहाँ पे एयरपोर्ट में जिस तरीके से आपको फैसिलिटीज मिली हैं सैनिटाइजेशन से लेकर बोर्डिंग तक जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा है सब, बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज आपको सही लगी? जी जी जी। आप अपने आप को एयरपोर्ट के अंदर सेफ मानती हैं? सेफ है, सेफ है। आपका नाम? ममता सिंह। ममता सर, फिलहाल तो मैं मुंबई जा रहा हूँ और फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत अच्छी है, पर ये है कि हम लोगों को प्रिकॉशन तो खुद लेना पड़ेगा, अपना अपनी सेफ्टी हमको खुद करना पड़ेगा। हम अगर एकदम से गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे नहीं, गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद अपने प्रिकॉशन करें, अपनी सेफ्टी करें और जो हमारे आसपास है उनकी भी सेफ्टी करें। एयरपोर्ट के अंदर जो सफाई व्यवस्था है या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है वो कैसी थी और आपको कैसा लगा इस पे? सर, व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पे, सैनिटाइजेशन व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है और ऐसा हर जगह यही मेंटेन होना चाहिए तो ही कुछ होगा, एक जगह से कुछ नहीं होने वाला है। आपका परिचय? सौरभ सिंह। आज करीब करीब 2 महीने के बाद आज हमारा एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि दोबारा से हमारे एयरपोर्ट पर रौनक वापस आई है और आप लोगों का यहाँ स्वागत है। सबसे पहले तो कि आप लोग इसको इतनी गर्मी में जो है इसको कवर करने आए हैं, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। हमने जो हमें मानक मिले हैं भारत सरकार के, उसके तहत हमने जो भी हमें बताया गया, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मार्किंग्स, टच फ्री एयरपोर्ट का कंसेप्ट जो हमने रखा है ताकि यात्री को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। स्टार्टिंग से मैं बाहर से आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही पैसेंजर आएगा हमारा जो स्टाफ हाउसकीपिंग का स्टाफ है वो उसके बैग को सैनिटाइज करेगा। बैग को सैनिटाइज करने के बाद हमने बॉक्सेस बाहर बनाए हैं तो लोग उसमें क्यू में लग जाएंगे, क्योंकि मैं उनको जो है बारी बारी करके हेल्थ काउंटर पे बुलाया जाएगा। CMO साहब ने हमें अपनी टीम दी है जो उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगी और उनका आरोग्य सेतु कंप्लायंस देखेगी। उसके बाद उनका जो है हमें शू सैनिटाइज करने के लिए एक ट्रे में केमिकल डाल के रखा है जिससे उनके शू सैनिटाइज हो जाएं। हैंड सैनिटाइज करने के लिए एक स्टैंड लगाया है
एक हमने जो है जो पूरे दिशा निर्देशों का जो फ्लेक्स बोर्ड है उस पर लिख के हमने वो उसको बाहर लगाया। उसके बाद आईडी चेक करने के लिए भी आप देखेंगे हमने जो है उसको भी टच फ्री किया है। उसमें जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको वेब कैम में ही उसकी आईडी और बोर्डिंग कार्ड जो है उसमें देख लेगा। उसके बाद बिल्डिंग जैसे ही अंदर आएगा, अंदर भी हमने जो है एक एक मीटर पर सारी मार्किंग की हुई है। काउंटर को हमने जो है एक फेस शील्ड प्रदान की है जिस पे कि जो स्टाफ है और यात्री के बीच में कोई किसी भी तरह का संपर्क ना हो सके उसको कवर किया है एक्रेलिक सीट से। उसके बाद यात्री सिक्योरिटी होल्ड में जाएगा तो वहाँ भी जो हमारा जो सिक्योरिटी स्टाफ चेक करता था उसको भी हमने जो HHMD जिसको बोलते हैं उसको भी एक्सटेंड करके करीब एक मीटर के कनेक्टर के साथ उसको अटैच कर दिया है ताकि सिक्योरिटी स्टाफ भी दूर से ही उसको अटैच करे। बोर्डिंग पास स्टैंपिंग जो है एग्जम्प्ट हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी नहीं हो रही है, तो वहाँ भी टच फ्री कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पे हमने जो सेंटर की सीट है उसको जो है हमने ब्लॉक कर दिया है ताकि दो लोग ही तीन के सीटर पे दो लोग ही बैठ सके। फिर इसी तरह से बोर्डिंग गेट से लेके और एयरक्राफ्ट के तक जाने तक जो है हमने मार्किंग प्रोवाइड की है ताकि जो भी लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और हम जो है यात्री को बिना किसी संक्रमण के अपने एयरपोर्ट से उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचा सके। वहीं आज बेंगलुरु और मुंबई से दो विमानों का आगमन भी होगा जिसमें कुल 367 यात्रियों का आगमन प्रयागराज होगा, जिनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे सुरक्षा व्यवस्था एवं आत्मनिर्भर के आधार पर लालची से बाहर निकलने एवं घर जाने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज प्रशासन ने इन यात्रियों को पूरी स्कैनिंग के बाद ही शहर में प्रवेश करने के सारे इंतजाम किए हैं और उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण संरक्षक ऐप के तहत रजिस्टर्ड होने के बाद ही इन यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर में बाहर निकलने दिया जाएगा तथा इन यात्रियों को 24 घंटे के अंदर कोरोना स्कैनिंग की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ अभी एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब से बात हुई है, जैसे उनके इन्फॉर्मेशन के अलावा पहले हमने इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है कि दो जगह से मुंबई और बेंगलोर से फ्लाइट आ रही है। दोनों फ्लाइट में लगभग 360 पैसेंजर करीब आ रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की हमने टीम लगा रखी है। थर्मल स्कैनिंग के साथ उनके एड्रेस पर हमारे पास सूची आ जाएगी कि कहाँ के रहने वाले हैं। उनके एड्रेस पर विद इन 24 आवर हमारी टीम उनके घर पहुंचेगी। 14 दिन क्वारंटाइन रहने की उनको निर्देश दिए जाएंगे, होम क्वारंटाइन, अगर उनका टेम्परेचर ठीक है और कोई सिम्टम नहीं है तो। अगर उनके अंदर कोई सिम्टम पाए जाते हैं तो यहीं पे हम चेक करके उनको हॉस्पिटल भेज के और यहाँ पे क्वारंटाइन की व्यवस्था कर देते हैं। सर आपका परिचय? मैं OP शर्मा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, CMO प्रयागराज। अराइवल में हमारे पास आज दो फ्लाइट आ रही हैं। पहली फ़्लाइट हमारी बेंगलोर से आ रही है जिसमें करीब करीब 100 के ऊपर लोग हैं। दूसरी वो एक करीब यहाँ पर 1:55 पर आएगी। दूसरी फ़्लाइट हमारी जो है मुंबई से आएगी जो कि 2:55 पर यहाँ पर पहुँचेगी। उसमें करीब करीब 166 के करीब लोग हैं। तो लोगों को हमने जो है पहले ही जो इनका डिपार्चर स्टेशन है वहाँ पर ही मैसेज हमने दिलवा दिया गया है कि जो UP गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल जारी हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें उन्होंने एक लिंक शेयर किया जिस पे पैसेंजर को उस पे रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन पे उसको एक SMS जारी होगा, एक PDF फाइल जारी होगी। उस SMS और PDF फाइल को हमारा सिक्योरिटी स्टाफ उसको देखेगा। जब तक उसको वो देख के तब तक पैसेंजर को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा।